और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक और अहम खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में गुजरात के सीएम पहुंच गए हैं और यहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की थी और आप तस्वीरें देख सकते हैं, गुजरात के सीएम जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। इस दौरान वो पूजा अर्चना भी करेंगे, तो भारी भीड़ के बीच सीएम यहां पर मौजूद और भगवान जगन्नाथ के दर्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। साथ ही साथ विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हुए भी इन तस्वीरों में उन्हें देखा जा सकता है। आपको बता दें कि हर साल श्रद्धालु इस दिन का इंतजार करते हैं जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथ खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि हर कोई इस रथ यात्रा में शामिल होना चाहता है। और इस बीच तस्वीरें गुजरात के सीएम की जो यहां पर पहुंचे हुए हैं रथ यात्रा में पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं और हर जगह भक्तों में श्रद्धालु में उत्साह भी साफ देखा जा सकता है जगन्नाथ यात्रा को लेकर। और ऐसा ही उत्साह सीएम भी महसूस कर रहे होंगे और यही वजह है कि वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। और आप देखिए सोने की झाड़ू जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है और इसके बाद विधि विधान के साथ इस रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। तो मान्यता है कि सोने की झाड़ू से पहले रास्ते को साफ किया जाता है और उसके बाद ही रथ यात्रा का आगाज होता है और लोगों का जो श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद है उनका भी अभिवादन करते हुए सीएम। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई चाहता है कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो एक बार खींचने का मौका इन लोगों को मिले क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति का द्वार इसे कहा जाता है। और देखिए जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं और इस बीच इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जवान, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी थी, लगभग 10,000 से ज़्यादा जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। और दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह जिन्होंने कल अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी, पूजा अर्चना में वो शामिल हुए और पिछले साल भी वो इसी तरीके से भगवान जगन्नाथ की आरती करते हुए नजर आए थे। और आज गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी यहां पर पूजा अर्चना की है और सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए।